हेलो स्टूडेंट, आज हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक नया डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है ट्री, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, और ट्री के अंदर क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उनको भी आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्री क्या है, ट्री कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक, तो अभी तक जो हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था सबसे पहले एरे, उसके बाद आपने पढ़ा लिंक लिस्ट, फिर आपने देखा स्टैक, उसके बाद आपने देखा क्यू। ठीक, ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर थे ये थे आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और जबकि ट्री आपका है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या था, जैसे कि आपने स्टैक देखा था तो स्टैक की बनावट कुछ इस तरह से थी, इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, ये हम कह सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो पहला डेटा यहाँ स्टोर होता था, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से इसके अंदर डेटा स्टोर होता था। क्यू की बात करें तो क्यू था आपका एफ आई एफ ओ फिफो। ठीक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले रियर से आएगा वो यहाँ इंसर्ट होगा, फिर उसके बाद बी सी और डी। सेम लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट के अंदर नोड का कॉन्सेप्ट था, जहां पर नोड के दो पार्ट थे, डेटा पार्ट और दूसरा था आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस, फिर नेक्स्ट नोड भी इस तरह से आपस में लिंक रहती थी, फिर नेक्स्ट नोड इस तरह से आगे और लास्ट में नल। इसी तरह से एरे, एरे में क्या है आपका, एक तरह की कई तरह एक ही टाइप की कई वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर होती थी और वैल्यू किस तरह से स्टोर होती थी, यानी कि जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो किस तरह से लीनियर, यानी कि एक रेखीय, एक ही दिशा में है। ठीक, ये भी एक ही तरह से है, ये भी आपका एक ही दिशा में है, ये भी आपका एक ही दिशा में है। ठीक, पर अब जो नया डेटा स्ट्रक्चर है ट्री, वहां पर जो डेटा है वो किस तरह से स्टोर होगा, नॉन लीनियर। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हो कि अब आपके पास एक चॉइस होगी। ठीक, आप डेटा को इसके लेफ्ट में भी स्टोर कर सकते हो, राइट में भी स्टोर कर सकते हो, इसके नीचे भी स्टोर कर सकते हो, उसके बाद से फिर से आपके पास चॉइस है, आप लेफ्ट में जा सकते हो, राइट में जा सकते हो, यानी कि ये आपका लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है, यानी कि रेखीय नहीं है। ठीक है, तो पहली बात रही कि ट्री आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि अभी तक हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, ये सभी आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। अब हम बात करेंगे इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी कि ट्री के अंदर क्या ऐसी चीजें जिनको आपको ध्यान रखना होगा। तो कुछ बेसिक टर्म ट्री के अंदर यूज की जाती हैं, ये बेसिक टर्म है, हम इनको एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, सबसे पहले है नोड। तो नोड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लिंक लिस्ट के अंदर आपने नोड पढ़ा था कि नोड के दो पार्ट होते हैं, एक उसमें डेटा स्टोर होता है, दूसरे में नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक, यहां पर क्या है कि जितने भी ट्री के अंदर डेटा स्टोर होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, नोड। तो यहां हमने एक ट्री बनाया है, तो ये ट्री आपके रियल टाइम ट्री की तरह है, इस आपके असलियत में जो पेड़ होते हैं, रियल में जो पेड़ होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, नीचे उनकी जड़ होती है, ऊपर आपकी शाखाएं होती हैं। ठीक, इस तरह से आपका पेड़ है। तो ये जो ट्री है ये है आपका, ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, और ये जो ट्री है ये इसको आपको उल्टा कर दिया, यानी कि ये टॉप से बॉटम की तरफ आया। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर ये यहाँ पर ट्री का रूट है, ठीक, तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्री है उसके अंदर रूट क्या होगा, ये। ठीक, तो ये क्या होगा आपका रूट, यानी कि ये रूट है और ये ट्री ऐसे नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। ठीक, इसके अंदर स्टोर क्या करेंगे, डेटा। तो जो भी डेटा हम लिख रहे हैं उस सबको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे एक गोल वर्टेक्स में लिखते हैं, और वही क्या कहलाता है आपका नोड। तो हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में कुल कितने नोड है, सब गिन सकते हो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यानी कि टोटल नोड इस एग्जाम्पल में कितने हैं, 13। ठीक, और उनके नाम की बात करें तो पहले नोड का नाम है ए, उसके बाद बी सी डी से लेकर एम तक आपके पास नोड है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट कि नोड क्या होता है, कि ट्री के अंदर जो भी डेटा है वो किस में स्टोर होता है, नोड में, यानी हर एक डेटा के लिए एक नोड बनाया जाता है। दूसरा है रूट, तो रूट के बारे में हम देख चुके हैं।
कि ट्री का ओरिजिन जहां से होगा, ठीक है, यानी कि ओरिजिन ऑफ ट्री, जहां से ट्री की शुरुआत हो रही है वो क्या कहलाएगा, आपका रूट। ठीक, तो जो आपके असली पेड़ होते हैं वो नीचे से ऊपर, पर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो रूट है वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्री क्या है, टॉप से डाउन, तो पहला जो नोड होगा वो क्या होगा, रूट, यहां से क्या है, ट्री का ओरिजिन है। तो इस केस में रूट क्या है आपका, इस एग्जांपल के अनुसार रूट क्या है आपका, ए। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिग्री। ठीक, तो डिग्री हम दो चीजों की कैलकुलेट कर सकते हैं, एक नोड की डिग्री और एक ट्री की डिग्री। ठीक, तो ये देखिए यहां पर एक लाइन हुई है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि ये एक तरह से इसको पेरेंट चाइल्ड हायरार्की, पेरेंट चाइल्ड हायरार्की भी बनाया गया है। ठीक, जैसे कि परिवार के अंदर एक पिता होता है, उसके पुत्र होते हैं, फिर पुत्र के भी और पुत्र हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक, मान लेते हैं कि ये है आपका पिता, यानी कि इसको हम नाम देते हैं पेरेंट, तो ये हो गया इसका चाइल्ड, तो ये चाइल्ड का पेरेंट, तो ये पेरेंट का पेरेंट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ग्रैंड पेरेंट। ठीक, तो ये फैमिली हायरार्की भी ट्री के अंदर फॉलो होती है, ये टर्मिनोलॉजी हम यहाँ यूज करते हैं। ठीक, कि पिता और उसके पुत्र यानी पेरेंट और उसके चाइल्ड, तो हम बात करें बी, तो बी के कितने चाइल्ड हैं, बी के दो चाइल्ड हैं, कौन कौन से, ई और एफ। ठीक, हम बात करें ए, ए के कितने चाइल्ड हैं, तो ए के तीन चाइल्ड हैं, कौन, बी सी और डी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिग्री। तो डिग्री में क्या कहा गया है कि किसी भी नोड की डिग्री क्या होगी, उसके नंबर ऑफ चाइल्ड, यानी कि हम बात करें किसकी, कि नोड बी की डिग्री क्या होगी, तो बी के कुल कितने चाइल्ड हैं, दो, ई और एफ, तो बी की डिग्री क्या हो जाएगी, दो। ठीक, नोड डी की डिग्री क्या होगी, तो नोड डी की डिग्री क्या होगी, कि डी के कितने चाइल्ड हैं, एक दो तीन, एच आई और जे, तो डी की डिग्री क्या हो जाएगी, तीन। ठीक, इसी तरह से हम सभी नोड की डिग्री निकाल सकते हैं। बात करें के की डिग्री क्या होगी, तो क्योंकि के की कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक, अभी इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो के की डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम हर नोड की डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे किसी ट्री की डिग्री क्या होगी, तो अगर आपने सभी नोड की डिग्री निकाल ली, उसमें से मैक्सिमम जो डिग्री होगी वो ट्री की डिग्री होगी, जैसे कि डी की डिग्री आएगी तीन और ए की भी डिग्री क्या आएगी, तीन। ठीक, ए के भी तीन चाइल्ड है, बी सी और डी। अब इसमें कोई नोड ऐसा नहीं है जिसकी डिग्री तीन से ज्यादा आएगी, तो डी की डिग्री तीन, ए की डिग्री तीन, ये मैक्सिमम है, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे ट्री की डिग्री भी क्या हुई, तीन। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका डिग्री, कि नोड आपको समझ में आ गया, रूट और डिग्री। नेक्स्ट है लीफ नोड। लीफ नोड यानी कि ऐसे नोड जिनकी डिग्री क्या होती है, जीरो, यानी कि जिनके आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है। ठीक, जैसे कि ई, ई की डिग्री क्या होगी, जीरो, क्योंकि इसका आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है। के की डिग्री क्या होगी, जीरो। एल की डिग्री क्या होगी, जीरो। एम की डिग्री क्या होगी, जीरो। एच की डिग्री क्या होगी, जीरो। तो ये सभी क्या करेंगे आपको, लीफ नोड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस ट्री के अंदर कुल कितने लीफ नोड है, आप देख सकते हो, एक दो तीन चार पांच छह और सात, यानी कुल कितने लीफ नोड है, सात, और नाम भी आप उनके बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉन टर्मिनल नोड, यानी कि हम लीफ नोड को टर्मिनल नोड ही बोल सकते हैं, ऐसा नोड जहां पर ट्री आपका टर्मिनेट हो रहा है, उससे आगे ट्री नहीं है। तो ऐसे नोड जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी कि उनके पास कम से कम एक चाइल्ड तो है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके, नॉन टर्मिनल नोड, एक्सेप्ट रूट। रूट का अपना एक अलग नाम है, ठीक, यानी कि पहला जो नोड है, फर्स्ट नोड जो ओरिजिन है, उसको एक नाम दिया गया है रूट। ऐसे नोड जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं, उनको नाम दिया गया है लीफ नोड। तो उनके अलावा जो बसते हैं, यानी कि लीफ नोड को छोड़कर जितने भी नोड बसते हैं और रूट नोड के अलावा भी, वो सब क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनल नोड, यानी कि उनका कम से कम एक चाइल्ड तो है। जैसे कि बी, बी के दो चाइल्ड है, सी का एक चाइल्ड है, डी के तीन चाइल्ड है, आई का भी एक चाइल्ड है, एफ के दो चाइल्ड है, तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके, नॉन टर्मिनल नोड्स। इसके बाद नेक्स्ट है सिबलिंग्स। ठीक, तो जैसे फैमिली के अंदर सिबलिंग्स होते हैं, ठीक, एक पेरेंट के दो चाइल्ड हैं, तो आपस में क्या होंगे,
सिबलिंग होगी बिल्कुल इसी तरह से। तो यहाँ हम बात करेंगे एच के सिबलिंग कौन कौन हो सकते हैं, कि आपसे पूछा गया है कि कौन कौन एच के सिबलिंग है, तो आपने कहा कि एच किसका चाइल्ड है, डी का, तो डी के और चाइल्ड कौन है, आई और जे, यानी कि एच के सिबलिंग कौन है, एक आई भी है और जे भी है। इसी तरह से आप और सिबलिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो, बी के सिबलिंग कौन कौन है, सी और डी, के का सिबलिंग कौन है, एल, एम का सिबलिंग कौन है, कोई भी नहीं, ठीक, क्योंकि एम ओनली चाइल्ड है, अकेला ही चाइल्ड है आई का, इसलिए इसका कोई भी सिबलिंग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एज। एज क्या है, एक ऐसी लाइन जो कि दो नोड को आपस में कनेक्ट कर रही है, जैसे कि ए और बी को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करी, ये लाइन, तो ये क्या कहलाती है आपकी एज। तो बिना एज के ट्री कनेक्टिंग नहीं हो सकता, ठीक, तो इस ट्री के अंदर आप टोटल एज काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि टोटल एज कितनी है यहाँ पर, 12। तो हमेशा ट्री के अंदर जितनी नोड है उससे एक कम एज होगी, ये आप देख सकते हो कि हम काफी सारे एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट है पाथ। पाथ का अंदर क्या होता है, रास्ता, तो आपसे पूछा जाए कि ए से लेकर और एम तक का क्या रास्ता है, कैसे जाओगे, ए से लेकर एम तक का पाथ बताइए, ठीक, तो सिंपल है कि पहले आपको कहां से कहां जाना होगा, ए से डी, पहले आपको जाना होगा ए से डी, उसके बाद कहां जाओगे, डी से एच, नहीं, क्योंकि डी से एच जाओगे तो आगे कोई भी रास्ता नहीं है, यानी एच और एम के बीच में कोई भी एज नहीं है, तो आपको पहले डी से कहां जाना होगा, आई, आई तक हम आ गए और फिर आई से हमको क्या जाना होगा, एम, ठीक। तो अगर आपसे पूछा गया है कि पाथ कैलकुलेट कीजिए किसमें, ए से लेकर एम तक, तो क्या पाथ आएगा, ए टू डी, देन डी टू आई, देन आई टू एम, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए कि ट्री के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेवल देखिए, लेवल क्या है कि जब भी आप ट्री ड्रॉ करोगे तो ट्री ड्रॉ करने का एक तरीका होगा कि सबसे पहले आप रूट नोड बनाओगे, उसके बाद उस जितने भी उसके चाइल्ड है वो सभी एक ही सीन में आने चाहिए, यानी कि आपको इस तरह से ट्री ड्रॉ नहीं करना है कि ए का चाइल्ड बी और इसका दूसरा चाइल्ड इस तरह से सी और तीसरे चाइल्ड से डी, ये ट्री करने ड्रॉ करने का गलत तरीका है, यानी कि एक पेरेंट के सभी चाइल्ड एक ही लेवल पे होंगे, ठीक, फिर देखिए बी के जितने भी चाइल्ड है ई और एफ वो सारे एक लेवल पे हैं, और इसका जो सिबलिंग था सी उसके भी चाइल्ड क्या है, सारे एक ही लेवल पे हैं, यानी कि एक जनरेशन को हमने एक ही लेवल पर रखा है, ठीक, तो इसके अंदर जो ओरिजिन है उसको नाम दिया जाता है लेवल जीरो, जैसे कि एरे के अंदर इंडेक्स बाय डिफॉल्ट जीरो से होता है बिल्कुल उसी तरह, या इसका नाम दिया गया है लेवल वन, ये लेवल टू और ये लेवल थ्री, ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कितने लेवल है, तो उसके अंदर कुल कितने लेवल है, चार लेवल है, लेवल जीरो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, और ये ट्री को ड्रॉ करने का एक तरीका है कि आपको लेवल बाय लेवल ही ड्रॉ करना है, आपको बिल्कुल इस तरह से ट्री नहीं बनाना है। नेक्स्ट टर्म है डेप्थ। डेप्थ क्या होती है आपकी, डेप्थ कह सकते हैं या इसको हम हाइट भी बोलते हैं, कई बार डेप्थ को हाइट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, तो डेप्थ क्या होती है आपकी, एक डेप्थ को समझ लीजिए, देख सकते हैं लेफ्ट होता है आपका लेवल प्लस वन, ठीक, यानी कि टोटल जितने लेवल है अगर उसमें हम एक जोड़ दें तो वो क्या है आपका डेप्थ है, यानी कि कह सकते हैं ट्री की सबसे बड़ी ब्रांच, ब्रांच आपका रूट यहां से शुरू हुआ तो एक ये ब्रांच है, इसकी लंबाई कितनी है, 1, 2, 3, ठीक, एक अगर ए से ई देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, 1, 2, 3, और सबसे बड़ी ब्रांच क्या होगी, ए बी एफ एल, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, या 1, 2, 3, 4, ये इधर से काउंट करें, 1, 2, 3, 4, तो ट्री की डेप्थ या हाइट क्या हो जाएगी आपकी, 4, तो वही हमने क्या लेवल प्लस 1, क्योंकि मैक्सिमम लेवल की क्या वैल्यू है, 3, तो 3 प्लस 1, तो आप ये भी कह सकते हो कि डेप्थ और हाइट क्या होती है, लेवल प्लस वन, या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो ब्रांच है वही क्या होती है आपकी
हाइट होती है या उसकी डेप्थ होती है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से पहले हम देख लेते हैं सब ट्री। सब ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये पूरा क्या है, ट्री है, ठीक। अब ट्री के डिफरेंट पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, सब ट्री। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, इस पार्ट की, तो उसको हमने नाम दे दिया सपोज T1। ये जो पूरा है ट्री, इसको हम सपोज नाम देते हैं टी। तो ये क्या हो गया, T1, यानी कि ये क्या है, ट्री का ही एक हिस्सा है, ठीक। और ये अपने आप में क्या कहलाएगा, एक सब ट्री, जिसका रूट क्या होगा, बी। इसको समझना, पूरे ट्री का रूट क्या है, ए, जिसके ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के भी फिर और फर्दर चिल्ड्रन है, ठीक। पर हमने इसमें से एक इतने से हिस्से भी बात की, तो ये ट्री का एक हिस्सा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब ट्री। और सब ट्री इसको नाम दे दिया T1, और T1 का रूट क्या होगा, बी। बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं T2, तो T2 का रूट क्या होगा, डी। एक ये इसके अंदर हमने वाले इसको नाम दे दिया T3, तो T3 का रूट क्या होगा, F, ठीक। तो यानी कि आप ट्री के अंदर सब ट्री भी एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा, ठीक। तो उसके बाद बात हो रही किसकी, फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट क्या है, अगर आपके जितने भी ट्री हैं वो क्या है, आपस में डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर रूट नहीं हो, इस रूट को भी यहां से हटा दिया जाए, तो अब यहां पर रूट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप में एक अकेला ट्री हो जाएगा, ये दूसरा ट्री है और ये तीसरा ट्री है, क्योंकि इनका कोई ऊपर पेरेंट नहीं है। इस ट्री का रूट कौन है, बी। इस ट्री का रूट कौन है, सी। इस ट्री का रूट कौन है, डी, ठीक। तो ये तीनों ट्री है। तो जैसे हम जानते हैं रियल लाइफ में जंगल क्या होता है, बहुत सारे ट्री होते हैं, उसको हम जंगल बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही यह कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट का, यानी कि अगर आपके पास डिसजॉइंट, यानी कि आपस में जॉइन नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फॉरेस्ट। तो अभी क्या बन गया, कंप्लीट मिला के एक फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से ट्री हो गए, T1, T2 और T3, सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्री। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ठीक। तो प्रीडिसेसर मैं इसको वापस से सही कर देता हूं, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। यानी कि हम बात करें कि बी का प्रीडिसेसर कौन होगा, तो बी का प्रीडिसेसर कौन होगा, जो इससे पहले आ रहा है, यानी कि ए, यानी कि बी का पेरेंट कौन है, ए। हम बात करें कि एफ का प्रीडिसेसर कौन होगा, तो एफ का पेरेंट कौन है, बी, ठीक। एफ का प्रीडिसेसर कौन है, बी। अगर हम सक्सेसर की बात करें, तो यानी कि उसका इमीडिएट चाइल्ड कौन है, ठीक। तो एफ का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, केवी है और एलवी, ठीक। एच, आई और जे, इन तीनों का प्रीडिसेसर कौन होगा, एच, आई और जे का प्रीडिसेसर। एच, आई, जे का इमीडिएट पेरेंट कौन है, बी। तो ये क्या हो जाएगा, इनका इमीडिएट प्रीडिसेसर, ठीक। एच का सक्सेसर कौन होगा, कोई भी नहीं, क्योंकि एच का कोई चाइल्ड नहीं, ठीक। एफ का सक्सेसर हम देख लिया, ठीक। बी का सक्सेसर कौन होगा, ई और एफ, ठीक। तो ये थी आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी ट्री की, जिसके अंदर हमने देखा नोड, ठीक। सभी जो भी आपका डेटा है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। रूट यानी कि आपका ओरिजिन, पहला जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रूट। फिर हमने कहा कि ये क्या है, आपका फैमिली हायरार्की है, यानी कि अगर ये पेरेंट है तो ये क्या होगा, आपका चाइल्ड। और ये पेरेंट का पेरेंट, तो इसके लिए क्या हो गया, ये ग्रैंड पेरेंट,